नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस अपडेट में। मैं बता दूं दोस्तों कि जब से अमेरिका ने तुर्की पर काटसा प्रतिबंध लगाए हैं, तब से तुर्की किसी भी देश से हथियार के मामले में पीछे नहीं रहना चाहता, चाहे अमेरिका से रणनीति के मामले में हो या फिर भारत से राजनीति के मामले में हो। और इसी को देखते हुए तुर्की ने एक ऐसी एंटी टैंक मिसाइल बनाई है जो अमेरिका के एंटी टैंक मिसाइल को टक्कर देने में बराबर उतरी है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से सब जानेंगे कि तुर्की की ओमटास या फिर अमेरिका के FGM-148 जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल, दोनों में से कौन सी ताकतवर है या फिर दोनों में से कौन सी ज्यादा खासियत वाली मिसाइल साबित हुई। तो दोस्तों सब जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वह नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा कि तुर्की की मुद्रा क्या है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूँ तुर्की की ओमटास की, तो दोस्तों यह एक एंटी टैंक मिसाइल है। वहीं पर मैं बात करूँ जेवलिन की, तो दोस्तों यह भी एक एंटी टैंक मिसाइल बताई जाती है। जहां पर दोस्तों ओमटास को तुर्की में ही निर्माण किया गया, वहीं मैं बात करूँ अगर दोस्तों FGM-148 जेवलिन की, तो दोस्तों उसको यूनाइटेड स्टेट के अंदर ही निर्माण किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों मिसाइलों को निर्माण करने वाली कंपनी के विषय में। तो दोस्तों जहां पर तुर्की की ओमटास एंटी टैंक मिसाइल को रॉकेटसन कंपनी द्वारा निर्माण किया गया, मैं बात करूँ अगर दोस्तों अमेरिका की जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की, तो दोस्तों इस मिसाइल को दो कंपनियों द्वारा निर्माण किया गया, रायथन एंड लॉकेट मार्टिन। जहां पर दोस्तों तुर्की की ओमटास एंटी टैंक मिसाइल 2017 से तुर्की के पास मौजूद है। वहीं मैं बात करूं अगर दोस्तों जेवलिन की, तो दोस्तों जेवलिन अमेरिका के पास 1996 से ही अमेरिका की सेना में मौजूद बताई जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों देशों के मिसाइलों की लंबाई के विषय में। तो दोस्तों जहां पर तुर्की की ओमटास मिसाइल की लंबाई 1.68 मीटर तक बताई जाती है और दोस्तों इसका लॉन्च ट्यूब देखें तो 1.8 मीटर तक बताया गया है। अब बात करें दोस्तों अमेरिका की जेवलिन टैंक मिसाइल की लंबाई के विषय में, तो दोस्तों इस मिसाइल की लंबाई 1.1 मीटर बताई गई है। अगर दोस्तों लॉन्च ट्यूब देखें तो दोस्तों इसका लॉन्च 1.2 मीटर तक बताया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं मिसाइल डायमीटर की, तो दोस्तों जहां पर ओमटास मिसाइल का डायमीटर 0.16 मीटर तक बताया गया, वहीं मैं बात करूँगा दोस्तों अमेरिका की जेवलिन मिसाइल डायमीटर, तो दोस्तों जेवलिन मिसाइल का डायमीटर 0.13 मीटर तक बताया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों मिसाइलों के वजन के विषय में। तो दोस्तों जहां पर तुर्की का ओमटास मिसाइल का वजन 35 किलोग्राम तक बताया गया है और दोस्तों इसमें मिसाइल के साथ लॉन्च ट्यूब भी शामिल। बात करते हैं दोस्तों जेवलिन मिसाइल के वजन के विषय में, तो दोस्तों जेवलिन मिसाइल का वजन 22.3 किलोग्राम तक बताया गया है। दोस्तों इसमें भी मिसाइल और लॉन्च ट्यूब शामिल हैं। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों मिसाइलों में पावर देने वाले इंजन के विषय में। तो दोस्तों जहां पर तुर्की की ओमटास मिसाइल में डुअल थ्रस्ट रॉकेट मोटर इंजन का प्रयोग किया गया, वहीं मैं बात करूँ अगर दोस्तों जेवलिन की, तो दोस्तों जेवलिन मिसाइल में सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर इंजन का प्रयोग किया गया है। अगर मैं दोस्तों यहां पर बात करूँ दोनों मिसाइलों की स्पीड के विषय में, तो दोस्तों दोनों मिसाइलों की स्पीड सुपरसोनिक स्पीड के बराबर बताई जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं यहां पर दोनों मिसाइलों की फायरिंग रेंज के विषय में। तो दोस्तों जहां पर तुर्की की ओमटास मिसाइल की रेंज 0.2 किलोमीटर से 4 किलोमीटर तक बताई जाती है, वहीं मैं बात करूँ अगर दोस्तों अमेरिका की जेवलिन मिसाइल की फायरिंग रेंज, तो दोस्तों इसकी 2.5 किलोमीटर से 4.7 किलोमीटर तक बताई जा रही है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों मिसाइलों की वारहेड ले जाने की क्षमता के विषय में। तो दोस्तों जहां पर तुर्की की ओमटास मिसाइल अपने साथ थंडम चार्ज हिट और दोस्तों हाई एक्सप्लोसिव ब्लास्ट जैसे वारहेड को ले जाने में सक्षम है, वहीं मैं बात करूँ अगर दोस्तों जेवलिन मिसाइल की वारहेड ले जाने की क्षमता के विषय में, तो दोस्तों ये अपने साथ थंडम चार्ज हिट वारहेड ले जाने में सक्षम बताई गई है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों मिसाइलों के गाइडेंस सिस्टम के विषय में। तो दोस्तों जहां पर तुर्की की ओमटास मिसाइल इमेजिंग इंफ्रारेड अनकूल टाइप का गाइडेंस सिस्टम का प्रयोग करती है, वहीं मैं बात करूँ अगर जेवलिन मिसाइल के गाइडेंस सिस्टम की, तो दोस्तों यह इंफ्रारेड होमिंग गाइडेंस सिस्टम का प्रयोग करती है। दोस्तों दोनों मिसाइलें डायरेक्ट एंड टॉप मोड पर अटैक करने में सक्षम बताई गई हैं। अगर दोस्तों यहां पर मैं ऑपरेटिंग मोड की बात करूं, तो जहां पर दोस्तों तुर्की की ओमटास मिसाइल फायर एंड फॉरगेट और दोस्तों फायर एंड अपडेट मोड का प्रयोग करती है, वहीं मैं बात करूँगा दोस्तों अमेरिका की जेवलिन मिसाइल की ऑपरेटिंग मोड, तो दोस्तों यह सिर्फ फायर एंड फॉरगेट मोड का प्रयोग करती है। अगर मैं दोस्तों यहां पर बात करूं दोनों मिसाइलों की लॉन्चिंग सिस्टम के विषय में, तो दोस्तों जहां पर तुर्की की ओमटास मिसाइल ट्रीपोर्ट स्टेबलिज के साथ रिमोट कंट्रोल द्वारा लॉन्च की जाती है, वहीं मैं बात करूँगा दोस्तों अमेरिका की जेवलिन मिसाइल की लॉन्चिंग सिस्टम के विषय में, तो दोस्तों इसको रिमोट लॉन्चर व्हीकल द्वारा लॉन्च किया जाता है। हालांकि दोस्तों दोनों के कंपेयर से तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि कौन सी मिसाइल किस पर भारी है, लेकिन दोस्तों इस पर आपका क्या भी पॉइंट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों चलते चलते अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।